अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। तेलंगाना को अब अलग होना ही पड़ेगा, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलंगाना अलग हो गया तो रियासत की तरक्की रुक जाती, सेंट्रल के वजीर सांबा शोराव का बयान। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के साथ ही लड़ाई शुरू, कश्वाड़ा में कर्फ्यू को लगा दिया गया, 15 लोग जख्मी। और सोमालिया में इथियोपियाई फौज का हवाई जहाज तबाह, 4 लोग मर गए, कई जख्मी। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस हाईकमान के बड़े ये साफ बोल दिए कि तेलंगाना को बनाने का जो फैसला हुकूमत करी, इसको तुम कुछ भी करो हम नहीं बदलते बोल रहे हैं। इसके वास्ते आंध्र प्रदेश के बड़े इंचार्ज दिग्विजय सिंह ये साफ बोल दिए कि आंध्र प्रदेश को जो अलग करने का फैसला हुकूमत करी, इसको अब बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके वास्ते पूरे सियासी लीडरों को बोले कि तुम लोग हमारे साथ मिल के हमारी मदद करो। बातों में बातें ये भी बोले कि साहली आंध्र प्रदेश और सीमा आंध्र के लोगों का मसला अब हमारे हाथ में नहीं है, इसको एंटोनी कमेटी हल कर सकती बोल रहे हैं। इसके वास्ते रियासत के बड़े किरण कुमार रेड्डी साहब से बातें करके कुछ हल निकालेंगे बोल रहे हैं। अल्लाह मियाँ इंसानों को मिलजुल के रहो बोले, अगर हम लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अल्लाह मियाँ बोले, जो लोग मिलजुल के रहते मैं इन लोगों को अपनी नेमतें देता हूँ, अगर हम लोग मिलजुल के नहीं रहे तो अल्लाह मियाँ की नेमतों से दूर हो जाते। आइए आज हम आपको रियल चैनल में एक ऐसे मिलजुल के रहने वाले ख़ानदान के बारे में बोलते। जो लोग मिलजुल के रहते वो ख़ानदान एक मिसाल के जैसा बन जाता और लोग इनसे कुछ सीख लेते। ऐसी एक ख़ानदान से हम आपको बताते जो कई दिनों से बारकस के करीब कुत्ता पेट के पास एक साथ मिलजुल के रहते हुए एक मिसाल बन रहे हैं। ये ख़ानदान के लोग हर ईदों में एक साथ मिलके छोटे बच्चे रहने दो या बड़े बच्चे रहने दो जमा होके एक बेहतरीन ईद मनाते। चलो आज हम आप लोगों को रियल न्यूज़ के साथ चलते हैं और देखते हैं। ये ख़ानदान की अहम बात यह है कि इसमें छोटे बच्चों के साथ भी खुलूस मोहब्बत के साथ रहकर एक मिसाल बना रहे। ये ख़ानदान के बड़े शरीफ हुसैन यमनी हैं। बारकस के करीब कुत्ता पेट के पास 100 लोगों के साथ बनिए शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाला ये कबीला, जो बड़े और बुज़ुर्गों की रोशनी में ज़िंदगी को गुजार रहा, ये लोग आपस में मिलजुल के ज़िंदगी गुजार के एक मिसाल हर एक के वास्ते दे रहे हैं। ये पूरे ख़ानदान को जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी रूबी और रियल चैनल के सदरनशीन अब्बा मरहूम शरीफ अब्दुल्लाह यमनी के नक्श कदम, इनके ज़माने में जो रिवाज था इसको अभी भी चला रहे हैं, जो हर ईद के दिन अपने अब्बा मरहूम अब्दुल्लाह यमनी की ज़िंदगी के जैसे ईदा मना रहे हैं। जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब अपने घर में बड़े ही शानदार अंदाज में दावत करके हर साल की तरह यादगार बनाते। बड़ी खुशी के साथ ये ईदों की खुशियां सबको देते। यकीनन ये काबिल तारीफ़ और काबिल रश्क है और यादगार काम है कि इस नफसा नफसी के दौर में इस तरह मिलजुल के रह कर एक कारनामा बना रहे हैं। सेंट्रल के बड़े वजीर के सांबा शिवराव बोले कि साइंस के हिसाब से रियासत को अलग करना बराबर नहीं है कहते। हफ्ते को इनके घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेंट्रल हुकूमत की तरफ से तेलंगाना को अलग करे तो रियासत को बहुत नुकसान होता बोल रहे हैं। इनका मतलब ये दिख रहा कि अगर तेलंगाना को अलग कर दिए तो सबको नुकसान होता बोल रहे हैं, अगर मिल के रहे तो सब कुछ फ़ायदा होता बोल रहे हैं। इससे ये बात मालूम हो रहे हैं कि उन्होंने ये रियासत के टुकड़े नक्को करो बोल रहे हैं। थोड़े लीडर अपना उल्लू सीधा करने के वास्ते तेलंगाना को अलग करो बोल रहे हैं। कांग्रेस के लीडर लगड़ापट्टी राजगोपाल उन्होंने पहले से तेलंगाना को अलग नक्को करो बोल के जिद कर रहे हैं। अब एक बार फिर बोले कि सेंट्रल हुकूमत जो फैसला कर रही इसको फौरन रोक दो। इससे पहले उन्होंने पुट्टी श्री रामलू के पुतले को नहलाए, अब इसको दूध से नहलाए कि पानी से नहलाए कि
उन्होंने बोले पुट्टी श्रीराम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, वंश APNGOs के लीडर वो कारकुना रास्ते को जाम करके रोडों पे बैठ गए और बोले कि रियासत के वजीर के पारसा सारथी को फौरन अपनी कुर्सी से उतर जाओ बोल के धूम मचा रहे। लोकसत्ता पार्टी वाले हफ्ते को आंध्र प्रदेश को अलग नक्को करो बोल के जुबली हाल में राउंड टेबल बोले तो सब लोग गोल बैठते शुरू करे। इस वक्त पूरे तंजीमों के बड़े और इंचार्ज भी आए थे, बोल रहे हैं ये सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। वहीं लोकसत्ता पार्टी के बड़े जयप्रकाश नारायण बोले हैदराबाद को सदर मुकाम बनाने पे नाराज हुए कहते। उन्होंने बातों में बात ना बोले कि आंध्र प्रदेश के टुकड़े करे तो बहुत परेशानी हो जाती, बोल रहे हैं। कई को बोले तो IT डिपार्टमेंट में रियासत को अलग करने के बात चल रहे हैं, अगर IT डिपार्टमेंट अलग हो गया तो फिर आंध्र प्रदेश की तरक्की ऑटोमेटिक रुक जाती, बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में BJP मोदी को घोड़ा बना के उतारने वाली है, बोल रहे हैं। इसके वास्ते 40 सीटों पे जीतेंगे बोल के खाबा देख रहे कहते। चलो हम इस पे एक खास नज़र डालते और देखते हैं मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में चलता है कि नहीं चलता है कि। सैयद अहमद अली की खसूस रिपोर्ट पेश है। जनरल इलेक्शन में अब कुछ मैनेज बाकी रह गए, मगर उत्तर प्रदेश के लोग इसके वास्ते अभी इसे सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में लगातार 4 मरतबे BJP पार्टी के सिक्का जमाई हुई है, इनको इसके वास्ते अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुजरात से नरेंद्र मोदी आके नैया को पार कर देते। इसके वास्ते लीडरों से लेके वर्करों को भी अब भरोसा हो रहा कहते। मोदी आकर चमत्कार कर देते, बोल रहे हैं। झोली भर भर के वोट उनके झोली में डाल देते, बोल रहे हैं। इसके वास्ते पार्टी के लोग अब कामा वामा कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए हैं, हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इन लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले UP में कुछ फसादा होते, हिंदू वोटरों को BJP के पास लाके खड़ा कर देते, बाकी के मुसलमानों के वोटों को इधर उधर से BJP के कुछ सीटा मिल जाते। उत्तर प्रदेश में 2009 के जनरल इलेक्शनों में BJP को 10 सीटा हिच मिले थे, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी का सिक्का उत्तर प्रदेश में चलता है कि नहीं चलता कि। कई को बोले तो मोदी का जो डिमांड बढ़ रहा वो सिर्फ TV चैनलों पर बढ़ रहा, मगर पूरे मुल्क में कब डिमांड बढ़ना। वहीं कर्नाटक में मोदी का जादू नहीं चला, इसके वास्ते BJP को मुँह की खानी पड़ी। मोदी जहाँ पे भी पब्लिक सिटी के वास्ते गए वहीं उन्होंने हार गए, बोल रहे हैं। इसके वास्ते मोदी की कामयाबी अब ख़त्म हो गई, बोल रहे हैं। अगर BJP कुछ दिनों तक खुश रहना चाह रही तो वो अच्छी बात है, दिल को खुश रखने को ये गालिब अच्छा है ख्याल, बोल रहे हैं। नारे देते रहना। मैं तो आम आदमी को सलामती चाहिए, आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, और आज गुजरात की स्थिति ऐसी बन पाई है मित्रों, और तभी तो विकास हो रहा है। सारी दुनिया के लोग पूंजी निवेश के लिए गुजरात की ओर देख रहे हैं, लोग दौड़ के आ रहे हैं मित्रों। आने वाले दिनों में जो प्रगति होने वाली है उसका खाका मैं आज आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं, समय बहुत हो चुका है, लेकिन आपने मुझे प्यार दिया मैं तो मैं आपके प्यार को अनुभव करता हूं दोस्तों। मित्रों मैं इस विश्वास दिलाने आया हूं आपको, आपने राम सेतु, मित्रों ये जो राम सेतु की चर्चा हो रही है, आप में से किसी ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट की हो और 2 दिन के बाद आप जाके कहो कि हमारी गलती हो गई, एफिडेविट बदलनी है, आपका क्या होगा? मोदी अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आए, उन्होंने अभी अपने करीब के BJP के जनरल सेक्रेटरी अमित शाह कुछ वहाँ पे जाओ बोले। इसके वास्ते अमित शाह के आसपास पार्टी के कुछ खुशामद किस्म के लोग जमा हो गए, बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर BJP उन्हीं सीटों पर कामयाब होती है जहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा होती। गुज़िश्ता इलेक्शन में 35% मुस्लिम आबादी वाली मेरठ सीट पर इसने कब्जा कर लिया था। दोबारे में भी पूरा समीकरण जातियों बनाया जाता, सांप्रदायिक समीकरण बनाया जाता, मुद्दे बहुत पीछे रह जाते हैं, पसमांदा को, गरीब को, बहुत पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने की बात बड़े जोर शोर से सामने रखी जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि 62 साल के गणतंत्र के बाद और 65 साल की आज़ादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं।
पूरे मुल्क में लोग जुमे को ईद उल फितर बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे, मगर जम्मू कश्मीर के गांव किश्तवाड़ा में लड़ाई झगड़े हुए, इसके वास्ते वहां पे कर्फ्यू को लगा दिए। बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि नमाज ईद उल फितर पढ़े थे कि अक्सरियती फिरके के लोग नारेबाजी करके बलवा पुकारा करते हुए अचानक दूसरे लोग एहतजाज करे सो लोगों पर हमला कर दिए। ये लड़ाई झगड़े में 15 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के लोग बोल रहे हैं कि सुबह कलीरी के इलाके में दो फिरकों के लोग एक दूसरे पे पत्थर मार लिए, जैसे पत्थर मार लिए लड़ाई झगड़े और बढ़ गए। वहाँ है सो 3 गाड़ियों को और कित्ते की दुकानों को आग लगा दिए। बचाने के वास्ते पुलिस हवा में फायरिंग भी करी, इससे लोग इधर उधर भाग गए। सुबह से राजधानी के बड़े जामा मस्जिद में कित्ते की मुसलमाना ईद उल फितर की नमाज पढ़े, जैसे नमाज ख़त्म हुई लोग चीखने चिल्लाने लगे। वहाँ है सो लोगों पे भी पत्थर मारना शुरू कर दिए, एक दूसरे पे पत्थर मारना शुरू हो गए। मगर पुलिस वाले ये दोनों के चालान देख के कशवाड़ा के गांव में कर्फ्यू लगा दिए। बोल रहे हैं सोमालिया में इथियोपियन फौज का एक हवाई जहाज लैंडिंग के वक्त गिर के तबाह हो गया। ये हादसे में 4 लोग मर गए, 2 लोग बच गए। ये हवाई जहाज में टोटल 6 जने सवार थे, 4 जने तो जब का जब ही खत्म हो गए, 2 जने मजजात के तौर पे बच गए। बोल रहे हैं बचे सो दोनों फौजियों थोड़े जख्मी हुए। यह हादसा होने के बाद जहाज को अंगार लग गई, जहाज सत्यानाश हो गया, इसमें गोला बारूद लेके जा रहे थे कहते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कटनी रास्ते पर पेंड रोड स्टेशन के पास मालगाड़ी के डब्बे पटरियों से उतर गए। बोल रहे हैं जिससे 18 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो गई। रेलवे डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं जुमे की शाम 5 बजे कोयला लेके मालगाड़ी के 24 डब्बों से भी ज़्यादा डब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। इसके बाद प्लासपोस और मध्य प्रदेश की कटनी को मिलाने वाली ट्रैक पे लोगों का जाना आना बंद हो गया, इसके वास्ते 6 ट्रेनों को बंद कर देना पड़ा। दूसरे ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाए। बोल रहे हैं लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये रेलगाड़ी बजोरी से बिलासपुर को जा रही थी कि ये हादसा हो गया। अभी इसमें कितने लोग मरे बोल के बात साफ नहीं हुए, मगर रेल के डिपार्टमेंट वाले ये वाकया कई को हुआ बोल के पूरा मालूम करो हुक्म दे दिए। मालगाड़ी हमारा बॉबी बोलते हैं उसको, ब्लास्ट का ट्रेन है, रेलवे की गिट्टी लेके जा रही, एक कोच एक बोगी उसका डिरेल हुआ है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है और इससे अभी तक कोई ट्रेन प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई अप लाइन में CIC की तरफ जाने वाला ट्रेन आता है तो उसको प्रभावित होने का चांस है। ऑब्वियस है रेलवे का जो हमारा समय और संपत्ति होता है, हमेशा जब भी कोई डिरेलमेंट होता है कुछ ना कुछ नुकसान होता है, उस ट्रेन की जो कीमत होती है उसका मूवमेंट से जो हमारा समय का लॉस हुआ उस। लेबनान का सदर मुकाम बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तुर्की के 2 पायलटों को किडनैप कर लिए। बोल रहे हैं लेबनान का सदर मुकाम बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 पायलटों को किडनैप कर लिए। इनको एयरपोर्ट के पास से होटल को जा रहे थे कि किडनैप कर लिए। ये कौन करे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा। लोग बोल रहे हैं कि ये शाम के मुकाम पे जो हालात हो रहे हैं इसके वास्ते ये पायलटों को किडनैप करे होंगे। बोल रहे हैं परसों शाम में शिया लोग 9 लेबनानी लोगों को किडनैप कर लिए थे। इनके ख़ानदान के लोगों को छुड़ाओ ना बोल के धूम मचा रहे हैं। तुर्की के हालात भी अब बहुत ख़राब हो रहे थे। अलकायदा से डर के मारे मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में बंद कर दिए 119 सिफारत खानों में से 18 को अमेरिका खोल देने का फैसला करा गए थे। अमेरिका बोल रहा है यमन के सदर मुकाम सना में है सो इसका सिफारत खाना लंबे अरसे तक के लिए बंद रहेगा कहते। ऐसी पाकिस्तान में लाहौर में है सो कौंसलेट जो जुमेरात को बंद कर दिए थे वो भी वक्ती तौर पर बंद रहेगा। अमेरिका मशरक़ी वस्ता शुमाली अफ्रीका और एशिया के बहुत से मुल्कों में है सो उसके सिफारत खाने और कौंसलेटों को गए सो हफ्ते से बंद रखे था। अमेरिका को डर है कहते अलकायदा का ग्रुप हमला करने की तैयारी कर रहा, ऐसा बोल रहे हैं अलकायदा के आफिसर कर लें सो बातें पकड़ लिए, वो बातों में सिफारत खाने पर हमला कर रहेंगे बोल के गुफ्तगू भी है कहते। सुर्खियों पर एक बार फिर नज़र डालेंगे। तेलंगाना को अब अलग होना ही पड़ेगा, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलंगाना अलग हो गया तो रियासत की तरक्की रुक जाती, सेंट्रल के वजीर सांबा शिवराव का बयान। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के साथ ही लड़ाई शुरू,
कशवाड़ा में कर्फ्यू को लगा दिया गया, 15 लोग जख्मी। और सोमालिया में इथियोपियाई फौज का हवाई जहाज तबाह, 4 लोग मर गए, कई जख्मी। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो, देखते रहो रियल टीवी। यह ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती हैं, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे को तो इजाजत दो, खुदा हाफिज। दुनिया में पहली बार दखनी खबरनामा हैदराबादी जबान में शुरू करने वाले शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब, चेयरमैन रियल चैनल और रूबी चैनल, आप लोगों को आपकी जबान में खबरें दे रहे हैं। देखते रहो रियल चैनल, अपने चैनल। आखिर कब तक सच्चाई और हकीकत से बेखबर रहोगे? हम आ रहे हैं सच्चाई और हकीकत से जुड़ी खबरें लेकर। रियल चैनल, सच्चाई और हकीकत का असली नाम।